जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, आपकी एज लिमिट क्या रहनी चाहिए और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी और आपके एप्लीकेशन की जो डेट है वो क्या रहने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, आपकी जो अप्लाइंग जो डेट है वो आपकी 16 जून से इसका अप्लाई होना फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी 16 जून 2020 से स्टार्ट हो गए हैं। और आपकी लास्ट डेट की बात की जाए तो आपकी लास्ट डेट जो होगी वो 6 जुलाई 2020 होगी। आगे बात करते हैं आपका लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, जो आपकी फ़ीस जी की जो लास्ट पेमेंट लास्ट जो डे होगा वो होगा आपका 6 जुलाई 2020 होगा। आगे बात करते हैं, अगर आप ई चालान के थ्रू अपना फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो आपकी 9 जुलाई यानी 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके लिए ई चालान के थ्रू अगर आप फीस जमा करेंगे तो आप। आगे बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड, तो देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है वो आपका यानी 3 वीक पहले आ जाते हैं, लगभग आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे 3 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सो देखिए, अगस्त में आपका एडमिट कार्ड आने के चांसेस हैं। आगे बात करते हैं आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, जो वो एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 6 सितंबर 2020 होने वाली है। आगे बात करते हैं, के लिए जो आपकी वैकेंसी हैं वो टोटल 370 वैकेंसी हैं। और आपकी बात बता दूं कि इंडियन आर्मी में जो है 208 पोस्ट हैं यानी 208, और इंडियन नेवी में जो है वो 42 यानी 42 पोस्ट हैं, और इंडियन एयरफोर्स में 120 यानी 120 पोस्ट हैं। अब बात की जाती है नवल अकेडमी में 43 वैकेंसी हैं, और टोटल मिला के बात की जाए तो आपकी 413 यानी 113 पोस्ट हैं आपकी टोटल बात करी जाए तो। अब आगे बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट जो है क्या रहने वाली है। तो देखिए, एज क्राइटेरिया का जो आपको बता दूं कि 15.5 साल से लेकर 18.5 साल तक इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो बता दूं मैं आपके कहाँ से कहाँ तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो ये बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2002 एंड 1 जनवरी 2005, यानी कि आपका जो ये दो डेट दी हुई हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, आपका जन्म इन दोनों डेट के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फ़ीस की बात की जाए, तो देखिए आपकी जो एनडीए की जो फ़ीस होने वाली है वो आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस होगी। और देखिए, जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं और जो चिल्ड्रन पर्सन यानी नेशनल डिफेंस जो पर्सनल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एग्जेम्प्टेड है फ़ीस, मतलब उनके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। और आपको जो जनरल कैटेगरी से OBC हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस भरना पड़ेगा इसके लिए। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। देखिए, आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपका 12th पास या एपीरियन कोई भी कैंडिडेट हो वो कर सकता है अप्लाई। जो भी लोग 12th में पढ़ रहे हैं या 12th कर चुके हैं वो लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो बात की जाए फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एट 10+2 लेवल। कहने का मतलब यह है, आपका जो लोग इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ पढ़ा होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आर्ट साइड से हों या किसी भी कॉमर्स किसी भी साइड से हों वो अप्लाई ज़रूर कर सकता है। इसमें अगर आप इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए PCM होना ज़रूरी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब आगे बात करते हैं, आप सभी को मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, ये COVID-19 के कारण आपका NDA जो फर्स्ट था उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। सो प्लीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंबाइंड एग्ज़ाम ऑफ NDA फर्स्ट एंड NDA सेकेंड ऑन 6 सितंबर 2020। कहने का मतलब है कि आपका NDA फर्स्ट का और NDA सेकेंड का एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही दिन होने वाला है। देखिए, जो लोग NDA फर्स्ट का फॉर्म भर चुके हैं वो भी उसी दिन एग्ज़ाम देंगे, और NDA सेकेंड का दे चुके हैं वो भी उसी दिन होंगे। लेकिन आपको क्या रहने वाला है कि एग्ज़ाम आपको एक ही देना होगा। जो लोग दोनों फॉर्म भरेंगे NDA फर्स्ट एंड NDA सेकेंड उनका एग्ज़ाम एक ही होगा, लेकिन जो लोग NDA फर्स्ट का ही भरे हैं NDA सेकेंड का नहीं भरे हैं उनका एग्ज़ाम एक ही होगा जो NDA फर्स्ट का होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या रहने वाला है और एलिजिबिलिटी सारी मैंने बता दी आपको। सो प्लीज़ आपको
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हमारी मैंने आपको बताया, जो भी इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए आसानी से। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।